डिलीवर करता हूँ। और बेटियों को तो बचना ही चाहिए, इस संसार की सबसे प्यारी चीज़ें बेटियाँ होती हैं, और बेटियाँ बचेंगी तो संसार बचेगा, और संसार की उत्पत्ति ही बेटियों से है। अगर बेटियाँ ना होती तो मैं कल ही ऐसे ही B.R. चोपड़ा साहब की महाभारत का एक एपिसोड देख रहा था, ऐसे ही रिपीट में मुझे अच्छा लग रहा था, तो उसमें एक डायलॉग था कि जो मुझे बहुत ही कमाल लगा कि अगर बेटियाँ ना होती तो संसार में कुछ नहीं होता सिवाय ईश्वर के। तो बेटियाँ हैं इसलिए बेटियाँ बहुत ज़रूरी हैं, अगर संसार चाहिए इसलिए बेटियों को बचाते रहो। मैं कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए क्योंकि बेटियाँ कोख में भी आज सुरक्षित नहीं है, कोख के बाहर भी सुरक्षित नहीं है। अब बेटी नहीं होगी तो घर का परिवार नहीं बनेगा, तो इस मुहिम को मैं बहुत अच्छे तरीके से ऑल ऑफ इंडिया में लेके जा रहा हूँ और अच्छा खासा सपोर्ट मिला लोगों का। पहला जो मुहिम का स्टार्टिंग है आज बॉम्बे में हम लोग कर रहे हैं और सबका सपोर्ट मिल रहा है। धन्यवाद बॉलीवुड को और मीडिया को जो हमें सपोर्ट करके यहाँ तक इस मुहिम को सफल बनाने में साथ दे रहे हैं। अनिल शर्मा जी दिग्गज आते हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे पूरे इस मुद्दे को सपोर्ट कर रहे हैं, कितने कितने गौरव की बात है। गौरव की बात है और साथ में इस इंडस्ट्री में एक एक बहुत बुजुर्ग है, हम लोग तो बच्चे के सामने में तो आशीर्वाद देते, बच्चों को नहीं देंगे हम आगे, बच्चे आगे अपना जो लक्ष्य उसको पूरा कैसे कर पाएंगे। आगे रेशियो लड़के लड़कियों का रेशियो भी बहुत ऊपर नीचे हो गया है हिंदुस्तान में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे ऊपर नीचे हुआ है तो अवेयरनेस नहीं थी, अब हमारे पास मीडिया है और बहुत सारे नेट है जिसके थ्रू अवेयरनेस हो रही है, अब रेशियो धीरे धीरे घटते चला जा रहा है। आई एम सो डिलाइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस होल कैंपेन। आई थिंक वी हैव टू गिव मोर पावर टू वेमेन और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जिसको बहुत ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए बाय एवरी सिटीजन, बिकॉज दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड एज अ वेमेन, और अभी मैं माँ भी बनी हूँ तो ये मेरे लिए और डीप इन एक थॉट है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटी को बचाना, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि इस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस आगे जाके होने वाली है। सो मोर पावर टू वेमेन। जब मैंने बताया किस तरह का काम है तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे क्या सबको अच्छा लगेगा, इसमें कुछ ऐसी बात ही नहीं है। ठीक है, अगर हमारे देश में अवेयरनेस की ज़रूरत है तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, हम सबको साथ मिल के इसके बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि मैं तो नहीं सोचता बेटी के बिना कैसे सोच सकते हैं हम लोग, उसकी डिस्कशन भी मुझे थोड़ा अजीब ही लगती है, बट ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसी फीलिंग है तो उसे हम ज़रूर ठीक करना चाहेंगे। ये कहेंगे कि बेटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना बेटा है, और मुझे नहीं लगता कि बेटी आपके पास है और आपको कोई कुछ ज़िंदगी में ये सोचने की ज़रूरत है कि ये क्या हो गया।